हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी अभी खबर आई है पीएनपी से। पीएनपी ने डीएलएड बीटीसी और जो जिन लड़कों का स्क्रूटनी का बैक पेपर था, सबका रिजल्ट जारी कर दिया है। और ये यूपीटेट फॉर्म भरने के लिए ऐसा किया गया है ताकि जो बच्चे हैं वो इस पेपर से वंचित ना हो पाए। और आप देख सकते हैं 2019 2018 2017 बैच का रिजल्ट पीएनपी ने रिलीज कर दिया है और साथ साथ उनको मौका दिया है टीईटी में शामिल होने का। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा अपडेट है पीएनपी के द्वारा, इसलिए क्योंकि आप यूपी टेट में शामिल हो सकें। तो दोस्तों, इसका लिंक मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप अपने गूगल पे updlet.updlet.result.com खोलेंगे तो आपको सीधे वो लिंक मिल जाएगा जहाँ पर आपको रिजल्ट दिखेगा। तो ये देखिए, हमने खोल दिया ये लिंक और जब उस पेज पे जाएंगे तो ऊपर जो पिंक कलर की ऑप्शन आएगी, सबसे पहले आप उसको ही टच करेंगे। तो इसमें जब हम आगे जाएंगे तो देखिए, ये एरर बता रहा है क्योंकि सर्वर इस समय जैम चल रहा है। आप एक बार रिफ्रेश करिए, खुल जाएगा पेज। तो ये देखिए दोस्तों, नीचे जाने पे आपको ये सारे लिंक दे रखे हैं। आप इस पर अपना जो भी सेमेस्टर है, जो भी बैक पेपर है, स्क्रूटनी का पेपर है, आप वो फिलअप कर सकते हैं। साथ साथ नीचे यूपी टेट का, सी टेट का भी लिंक दे रखा है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अच्छी न्यूज़ है। अगर जो लड़के इससे वंचित हो रहे थे, अब उनको मौका मिल गया सी टेट में शामिल होने का, यूपी टेट में शामिल होने का। और ये देखिए दोस्तों, पीएनपी ने एक प्रेस नोट रिलीज किया है जिसमें सारा डिटेल उसने दे रखा है कि कौन कौन लड़के और रिजल्ट के बारे में जो भी नोटिफिकेशन वगैरह थी, सब उसने इसमें दे रखा है कि किस डेट पर रिलीज़ किया गई है और कितने बजे रिलीज़ किया जाएगा। और जो लड़के अभी वंचित रह गए थे, उनको भी मौका दे दिया गया है आपकी आगामी यूपी टेट में शामिल होने के लिए। और दोस्तों, ये अमर उजाला की कटिंग है जिसपे साफ साफ लिख रखा है डीएलएड का रिजल्ट जारी हो गया है, टीईटी में शामिल होने का मौका बच्चों को दिया गया है। साथ साथ जो लड़के एनआईओएस से डीएलएड कर रहे थे, दूरस्थ वाले, उनको भी मौका दिया गया है यूपी टेट में बैठने के लिए। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। और अभी इसमें बता दें कि प्रेजेंट टाइम में टीईटी में रजिस्ट्रेशन 10 लाख के ऊपर जा चुके हैं। तो ये देखें दोस्तों, नीचे ये सारे लिंक दे रखे हैं और आपके जो भी सेमेस्टर के रिजल्ट डाउनलोड करने हैं, आप उस लिंक पे क्लिक करिए, वो उसको फॉरवर्ड करिए। आगे जाने पर आपसे पूछेगा रोल नंबर, आप अपना रोल नंबर डालिए और सुविधा अनुसार अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, कल 25 अक्टूबर है, कल यूपी टेट और सी टेट का रजिस्ट्रेशन का आखिरी डेट है। तो पीएनपी ने ऐसा जानबूझकर किया है ताकि सभी बच्चों को मौका मिल सके फॉर्म भरने का। और जो बच्चे सुपर टेट के लिए एलिजिबल होंगे, वो अपना यूपी टेट क्लियर करके सुपर टेट क्लियर कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है क्योंकि आपको ही पता, अगले साल चुनाव है तो सरकार जाहिर सी बात है वैकेंसी लेकर आएगी। तो आप फेक न्यूज़ वगैरह पर ना जाइए, वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, आप इतना मान के चलिए वैकेंसी ज़रूर आने वाली है। आप यूपी टेट अगर अच्छे से तैयार करते हैं तो यही सारा पोर्शन, सारा आपका सिलेबस सुपर टेट में आएगा। और सी टेट अगर क्लियर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका केंद्र सरकार का रहेगा। और साथ साथ अगर आप अपना ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, अगर ये सब सर्टिफिकेट नहीं बनवा रहे तो उसको भी जल्दी आवेदन कर दें। अपने नज़दीकी ए डिस्ट्रिक्ट वाले जो भी जनसेवा केंद्र है वहाँ जाकर तुरंत आवेदन कर दें, क्योंकि इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। सारा कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी जाता है, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी का 82 जाता है, ईडब्ल्यूएस का भी है, तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। इसलिए जल्दी अपना रिजल्ट डाउनलोड करें और जो जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी फ्यूचर में, उनको तुरंत अप्लाई करें। तो नीचे देखिए दोस्तों, ये सारा वेबसाइट पर दे रखा है, पीएनपी ने सारा प्रेस नोट रिलीज़ किया हुआ, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको अच्छे से लिखा हुआ मिल जाएगा कि 2019 2018 2017 बैच का रिजल्ट यहाँ डाउनलोड कर दिया दे दिया गया है। और बीटीसी जो फेल लड़के थे, उन्होंने जिन्होंने पेपर दिया था, बैक पेपर दिया था, उनका भी रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो बिना विलम्ब के आप यूपी या तो btcexam.in पे जाइए या फिर dlredresult.com पे आप जाके अपना ये रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है जो एनआईओ से बीएड वगैरह, डीएलएड वगैरह कर रखे थे, सरकार ने उनको मौका दिया है। तो
आगे की और भी अपडेट आपको मिलेगी। दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी आगे अपडेट मिलेगी हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद।